जिंदगी में आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति बड़ी सरलता से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, मनचाही चीजों को प्राप्त करते चले जाते हैं। दूसरे वही लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर उनको सफलता मिलती है। तीसरे लोग जिनमें 90% से भी अधिक लोग शामिल हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों में मुख्य फर्क क्या है? इसका उत्तर देने के लिए आपको एक बगीचे में ले चलता हूं। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले, कोई रजनीगंधा का है, कोई गुलाब का, कोई जूही तो कोई चमेली का फूल है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई इस रंग का कोई उस रंग का, कोई इस सुगंध का कोई उस सुगंध का, जबकि मिट्टी सबकी एक है। सारे पौधों को एक ही प्रकार का पानी दिया जाता है, एक ही प्रकार की खाद दी जाती है, उनके ऊपर की हवाएं भी एक सी हैं, और उनके ऊपर का आसमान, उनके ऊपर का सूरज भी एक ही है, और उनकी सेवा करने वाला माली भी एक ही है। सब कुछ एक होते हुए भी इतना बड़ा अंतर क्यों? कभी सोचा? अंतर सिर्फ एक कारण से है। सभी फूलों का इनर सॉफ्टवेयर बीज के रूप में अलग अलग है। ठीक यही कारण है, हर आदमी का इनर सॉफ्टवेयर विचारों के रूप में अलग अलग है। विचार ही मनुष्य रूपी वृक्ष का इनर सॉफ्टवेयर है, विचार ही बीज है, विचार का बीज ही मनुष्य के भीतर विराट वृक्ष के रूप में विकसित होता है। विचार मनुष्य की सबसे अद्भुत शक्ति है। कोई भी चीज इस अस्तित्व में दो बार प्रकट होती है, पहले वो मनुष्य के विचारों में आती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है, असलियत में साकार होती है। कभी मत भूलना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सृजन करते हैं, तुम्हारे भाव ही तुम्हें निर्मित करते हैं। सातवें आसमान पर बैठा हुआ परमात्मा तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता। तुम जैसा जैसा सोचते हो, जैसा जैसा विचार करते हो, भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा वैसा ही तुम बनते चले जाते हो। यू बिकम व्हाट यू थिंक। हमेशा याद रखना, तुम जो भी हो वही हो जो तुमने अनंत बार चाहा है, विचारा है, जिसकी भावना की। तुम्हारा आज का जीवन वही है जैसा जैसा तुमने कल सोचा था, और तुम्हारा कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा तुम आज सोचते हो। इसलिए अपनी सोच को बदलकर तुम अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हो। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, whether you want it or you don't want it। जिन चीजों के बारे में आप निरंतर सोचते रहते हैं, जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य साकार होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। यह अपवाद रहित नियम है। किसी चीज के बारे में सोचते रहना, निरंतर चिंता करते रहना भी उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान निरंतर लगा रहता है, वो चीज आकर्षित होती हुई तुम्हारी तरफ चली आती है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, अगर तुम्हें निरंतर इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ, कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ, कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल होने से रोक नहीं सकती। सारांश ये है कि जिन चीजों को तुम जिंदगी में साकार होता हुआ देखना चाहते हो, उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हीं चीजों को अपनी चर्चा का, अपने विचार का विषय बनाओ। जिन चीजों से बचना चाहते हो उनका स्मरण भी न करो, उनकी चिंतना भी न करो, उनकी सोच भी न करो, उनका विचार भी न करो। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो उन्हीं चीजों की चिंता करते रहते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। इसीलिए अधिकांश लोगों को इस जीवन में वही चीजें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। जो असफलता के डर से भरे रहते हैं,
उन्हें असफलता ही मिलती। जो भूत प्रेत के भय से भरे रहते हैं उन्हें भूत प्रेत जरूर पकड़ता है, वो कहीं ना कहीं से जरूर खोज लेता है ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच ही जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ विचार शक्ति के विज्ञान का महत्वपूर्ण आयाम है थिंक बिग ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका विचार केंद्रित होगा वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। इनर सॉफ्टवेयर जिस चीज़ से जुड़ा है, विचार जिन जिन चीज़ों के भरे हैं, आपको तमाम सारी चीज़ें ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि उन चीज़ों का आप विचार कभी करते ही नहीं, उन चीज़ों की सोच करते ही नहीं, उन चीज़ों की खोज, उन चीज़ों की तलाश कभी करते ही नहीं। कितना भी बड़ा हो सपना, कितनी भी बड़ी हो आकांक्षा, जब वो आकांक्षा वो सपना आप देखने लगते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपके भीतर जो शक्तियाँ छिपी हैं वह जागती। अगर सपना नहीं देखते हैं आप तो छिपी हुई शक्तियाँ सोई की सोई पड़ी रह जाती है, वो शक्तियाँ जागती नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई आदमी एकाएक अपने हाथ में छुरा लेकर आपकी तरफ दौड़ पड़े और आपको पक्का पता हो जाए कि वो आदमी अपना छुरा आपकी छाती में भोंक देने वाला है, ऐसी परिस्थिति में जब आप भागेंगे तो वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि ऐसी परिस्थिति में भागने वाले की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की स्पीड से ज़्यादा तेज हो जाती है, एक नहीं हजारों परीक्षणों में पाया गया है। ये शक्ति कहाँ से आ जाती है, आसमान से नहीं, शक्ति तो आपके भीतर ही छिपी हुई थी, सिर्फ सोई हुई थी। जब चुनौती आई, जब लक्ष्य सामने आया जीवन को बचाने का, तब वो शक्ति जागती है और आपकी स्पीड सामान्य स्पीड से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब आपके सामने लक्ष्य हो जाता, जब आपके सामने बड़ा सपना हो जाता है तो उसका पूरा करने के लिए जो अनंत शक्तियाँ आपके भीतर छिपी हुई हैं वह जागती हैं।